बनाएंगे पोटैटो वेजीज। तो इसके लिए हमने ये तीन आलू लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसे काट लेंगे। इसे हमने दो भागों में काट लिया है। अब इसे हम फिर से दो भागों में काट लेंगे और अब हम इसे और दो भागों में काट लेंगे। इसे भी हम दो भागों में काट लेंगे और फिर इसे भी हम दो भागों में काट लेंगे। ये देखिए ऐसे हमने काट लिए। इस तरह से हमने वेजेस बना लिए। अब हम इसे पानी में डाल देंगे। चलिए अब हम गैस ऑन करेंगे। अब हम 1.5 लीटर पानी बॉईल करेंगे। इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे बॉईल होने देंगे। तो देखिए पानी बॉईल हो चुका है। अब हम इस वेजेस को इसमें डालेंगे और इसे हम 50% बॉईल करेंगे। तो देखिए पोटैटो वेजेस बॉईल हो चुका है। अब हम इसे निकालेंगे। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो चलिए अब हम बैटर बनाएंगे। ये 1/4 कप मैदा है वो हम इसमें डालेंगे। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चॉप गार्लिक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। 1 टीस्पून बटर ऐड करेंगे। 2 टीस्पून हरा धनिया ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पहले थोड़ा डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें और थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे। ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ना जाड़ा ना पतला। तो देखिए हमारे पोटैटो वेजेस ठंडा हो चुका है। अब हम इस पे 2 टीस्पून मैदा डस्ट करेंगे और इसे टॉस करेंगे और इसे साइड में रखेंगे। तो चलिए अब हम इस पोटैटो वेजेस को बैटर में डिप करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसे पलट देंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसे हमें चलाते रहना चाहिए। देखिए हमारे पोटैटो वेजेस रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकालेंगे। तो देखिए कितना क्रिस्पी हो चुका है हमारे पोटैटो वेजेस।